हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएम फिटनेस। आज फिटनेस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे बॉडी फैट नापने के कई तरीकों में से एक तरीका जो होता है कैलिपर टेस्टिंग के ऊपर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो टोटल बॉडी फैट होता है वो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द बॉडी में हमारे पाया जाता है। इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं असेंशियल फैट एंड स्टोरेज फैट में। असेंशियल फैट बहुत ज़रूरी होता है हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए भी। वो पाया जाता है हार्ट, लिवर, किडनीज, लंग्स, बोन मैरो एंड एसेट्रा। और असेंशियल फैट 2 से 3% या 5% तक दायरा दिया गया है उसको, 4%। उसके नीचे अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज जाता है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते हम लोग। सेकेंडली, जो स्टोरेज फैट होता है वो एडिपोस इशू में, जैसे मैंने, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे तो आप, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यूट्रिशन सीरीज़ में जो मैंने फैट के ऊपर जो टॉपिक पे वीडियो बनाया था उसको ज़रूर देखिएगा तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ज़्यादातर हम जो बात करते हैं बॉडी फैट की, वो ज़्यादातर हम सबकटेनियस फैट की बात करते हैं, जो स्किन के अंडरनीथ होता है ना, उसके ऊपर हम ज़्यादातर डिस्कस या जो हम कैलकुलेट करते हैं अलग अलग वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट से, सबकटेनियस फैट पे ज़्यादातर बात करी जाती है। विस्कल फैट भी कैलकुलेट किया जाता है। विस्कल फैट वो होता है जो अराउंड ऑर्गन्स के सराउंडिंग होता है। तो बॉडी कंपोजिशन और या बॉडी फैट परसेंटेज नापने के जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं उसमें आगे बात करेंगे। वन इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, आगे बढ़ने से पहले, कि जो भी हम बॉडी फैट कैलकुलेट करने के लिए प्रोटोकॉल्स या तरीके जिस पर भी हम बात करेंगे आने वाले टाइम में, आज हम एक मेथड जो भी बात करने वाले हैं स्किन फोल्ड कैलिपर टेस्ट के बारे में, तो ये सब टेस्ट में क्या होता है, प्लस माइनस एरर हमेशा होता है। तो 100% एक्यूरेट ये नहीं होते, चाहे कितने भी टेस्ट हों, चाहे जो हम आगे बात करेंगे डेक्सा की या BIA बायोइलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस की बात कर लीजिए, चाहे हाइड्रोस्टैटिक वेइंग की, अंडर वाटर वेइंग की बात कर लें हम, कि कोई भी टेस्ट हो उसमें प्लस माइनस एरर हमेशा ही आएगा। तो ये सिर्फ एक रेफरेंस लेवल पे आप इसको लेके चल सकते हैं। इसके अलावा मैं प्रेफर करता हूँ या कि आप मिरर के सामने जाएं, आपको अपनी आंखें कभी धोखा नहीं देती। आप मिरर के सामने जाएंगे, अपने आप को आप चेक करेंगे तो आपको अपनी स्टेट पता लग जाएगी काफ़ी हद तक। तो वो काफ़ी गुड मेजरमेंट होगा। और ये एक सिर्फ साथ में साथ लेके चलने वाली चीज़ है, इसको आप ये मत समझिए कि हाँ ये हो गया तो इतना ही होगा, ऐसा नहीं होता। ये जो स्किन फोल्ड मेजरमेंट टेक्निक है कैलिपर के द्वारा जो करी जाती है, ये बेसिकली हमारा सिर्फ सबकटेनियस फैट ही बताने में मददगार सिद्ध होता है, जो अंडर द बीनीथ द स्किन होता है। तो इसमें बेसिकली दो यूज़ करे जाते हैं, लेंज स्किन फोल्ड कैलिपर और एक हर्पेंडेन स्किन फोल्ड कैलिपर। तो जो लेंज वाला होता है वो नॉर्मल कोचेज और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, और जो हर्पेंडेन वाला स्किन फोल्ड कैलिपर होता है वो हेल्थ साइंस रिसर्चर्स एंड यूज़ करते हैं। इसमें 7 साइड फोल्ड या 3 साइड फोल्ड एज मेजरमेंट लिया जाता है, फिर इसको इक्वेशन में डाला जाता है उनके सम अप को करके। तो 7 साइड में चेस्ट, एब्डोमेन, ट्राइसेप्स, थाई, सबस्कैपुलर, एक्जिला एंड सुपर इलियक को लिया जाता है। तो कहने की बात यह है, अगर मैन में 3 साइड फोल्ड करते हैं तो चेस्ट आपका एब्डोमेन एंड थाई, और अगर वुमेन का करते हैं तो आप ट्राइसेप्स, आपका थाई एंड सुपर इलियक को ले सकते हैं। फिर अभी हम आगे पिक्चर्स में देखेंगे कि उसको इक्वेशन भी दिखाऊंगा मैं आपको, कि आपको कैसे उसको कैलकुलेट करके उसको कैसे लेना पड़ता है, कैसे उसको फिर इक्वेशन में डाल के आप कैसे अपना एक बॉडी फैट, सबकटेनियस बॉडी फैट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि बड़ा इनएक्सपेंसिव होता है, जैसा मैंने कहा, ये तो आप घर में भी कर सकते हैं, आप उसको, ये आपको बड़ा आसानी से अवेलेबल हो जाता है ये वाला प्रोडक्ट। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अलग अलग मसल्स के लिए अलग अलग
जगहों पे उसने होल्ड करा हुआ है कैलिपर को, और एक हैंड उसका स्किन को फोल्ड करके उसने पकड़ा हुआ है जब वो कैलिपर से उसको टेस्ट कर रहा है। तो अगर आप राइटी हैं तो आप अपने लेफ्ट हैंड से स्किन को ग्रैप्स करेंगे, उसको पुल आउट करेंगे, उसको उस पोजीशन में होल्ड करेंगे और वहाँ पे अपना वो कैलिपर का टीथ लगाएंगे। और उसको ये ध्यान रखना है कि उसको लेते वक्त, रीडिंग लेते वक्त आपका लेफ्ट हैंड रिलीज़ नहीं होना चाहिए। ये ज़रूर है कि जो थंब और फिंगर हैं उसके बीच के अंडरलाइंग जो उसका होता है ना लेयर, वहाँ पे आपको स्किन को ग्रैप्स करना है। फिर वहाँ पे आपको आप उसके नीचे टीथ लगाना है कैलिपर का, मतलब 1/4 इंच, 1/4 इंच अपने फिंगर से दूर, अपने लेफ्ट हैंड जो आपका हो रहा है। फिर आप रिलीज़ कर दीजिए ट्रिगर जो कैलिपर के हैं। तो उसके बाद कि उसका जो जॉज है, उसका स्किन फोल्ड कैलिपर का, वो अपना ले लेगा। लेकिन आप जैसे मैंने कहा अपने फिंगर रिलीज़ मत करिएगा, तो हल्का सा जो कैलिपर का जो टीथ है जो पकड़ रहा है ना, हल्का सा मूव करेगा। उसका रीज़न है सबक्यूटेनियस वाटर, वो उसके बाद फ्यू सेकंड में उसको सीज कर लेगा बिल्कुल। फिर वहाँ पे आप अपनी रीडिंग ले लीजिएगा। आपको टिप्स जो ध्यान रखनी है स्किन फोल्ड मेजरमेंट में, वो ये है कि ये डायरेक्टली ऑन द स्किन करा जाएगा, क्लोथ्स पे नहीं करा जाएगा, थ्रू द क्लोथ्स नहीं करा जाएगा। और जो रीडिंग्स ली जाएंगी, वो जो सामने वाले की रीडिंग आप लेंगे, वो स्टैंडिंग पोजिशन में होगा बंदा, और एक साइड ऑफ द बॉडी में ही लेंगे, ज़्यादातर राइट साइड लेते हैं लोग। और जो रीडिंग्स होंगी वो ट्रिपलिकेट में ली जाएंगी, मतलब तीन वस्तुओं में ली जाएंगी समूह में, जैसे ट्राइसेप्स और आपका सुपर इलियक और थाई है वुमेन में, चेस्ट एब्डोमिन थाई है मैन में। उसके बाद जैसे जैसे आप, ये तो बात है कि आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो आप इसमें और अच्छी तरह से इसको प्रॉपरली ले पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आज आपने वीडियो देख लिया, आपने देखा कैसे पकड़ना है और आप कर लेंगे आसानी से, नहीं। इसको आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप इसमें और अच्छे और परफेक्ट होते जाएंगे। अब आपके सामने एक केस स्टडी आ रही होगी, एग्जांपल आ रहा है एक मेल का, जिसमें उसकी एज 21 है, वेट 200 lbs है, मतलब 90 kg अप्रॉक्स, चेस्ट मेजरमेंट है उसकी 10 mm, एब्डोमिनल मेजरमेंट है 28 एंड थाई है 22। फिर स्टेप वन में इन तीनों को हमने प्लस करा जिसका सम आया 60। फिर हमने जैक्सन एंड पोलॉक बॉडी डेंसिटी इक्वेशन, ये दो बंदे हैं जिन्होंने इस इक्वेशन को बनाया था, स्टेप टू में हमने उनको डाला, जो इक्वेशन है 1.10938 माइनस 0.0082 67 इंटू सम ऑफ स्किन फोल्ड जो 60 आया था, प्लस 0.5 × 0.16 इंटू सम ऑफ स्किन फोल्ड इंटू सम ऑफ स्किन फोल्ड 60 × 60 माइनस 0.0025 74 इंटू एज, जो मेल की एज है 21। इसको अपन जैसे इक्वेशन में डालेंगे तो आप नीचे आंसर देख रहे होंगे, बॉडी डेंसिटी आती है 1.0594234, ठीक है। इसको फिर हम स्टेप थ्री में ब्रोजेक बॉडी फैट इक्वेशन में डालेंगे, जो है 4.570 डिवाइडेड बाय बॉडी डेंसिटी जो है 1.0594234 माइनस 4.142 मल्टीप्लाई बाय 100, जिसका हमारे आंसर आता है 17.17 बॉडी फैट परसेंटेज। वहीं आप अब सेकंड स्लाइड में देखते हैं, तो आप देखते हैं कि एक फीमेल है, उसका भी एज 21 है, वेट 140 lbs है, उसका ट्राइसेप मेजरमेंट 20, सुपर इलियक मेजरमेंट 16, थाई मेजरमेंट 22 आ रहा है, स्टेप टू में डाला। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जैक्सन पोलाक का जो मेल के लिए था बॉडी डेंसिटी इक्वेशन, वो थोड़ा सा अलग था और थोड़ा सा उसके इक्वेशन में हल्का सा डिफरेंस है, क्योंकि मेल और फीमेल में डिफरेंस होता है इस वजह से। जैसे ही हमने इस इक्वेशन में इसको डाला तो उसकी बॉडी डेंसिटी आई 1.037089। फिर अपन ने स्टेप थ्री में वही ब्रोजैक बॉडीफाइड इक्वेशन में डाला जो दोनों के लिए सेम है, उससे इसका आंसर आया 26.46 बॉडीफाइड परसेंटेज। फोक्स, ये तो हो गई प्रोसीजर की बात कि कैसे कैलिपर से हम सबकेटेनियस फैट नाप सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा इसका प्लस माइनस एरर 3% है, प्लस ये सिर्फ सबकेटेनियस फैट ही बताता है, तो ये वेरी ओबीज और लीन पीपल के लिए सही टेस्ट नहीं होगा। सो गाइज, आपको होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। टिल देन गाइज, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कीप वॉचिंग DM Fitness।